गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे कृष्णा फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े में भी होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 11:30 के समथिंग का टाइम, और आपको भी आवाज़ आ रही होगी पानी की। तो मैं बता दूँ, अभी हमारे यहाँ बारिश हो रही है, समथिंग हमारे यहाँ बारिश हो रही है 10 बजे से, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और आज मैंने भी बारिश में नहाया है, देखिए मेरे इतने इतने बाल भीग गए थे, इतने इतने नहीं भीगे क्योंकि मैंने ना कवर कर लिए थे, क्योंकि मैंने सुना है कि बारिश के पानी में नहाने से ना झूम पड़ जाते हैं बालों में, तो इसलिए मैंने ना बालों को कवर कर लिया था अपने को। और लंच वगैरह भी सब बन चुका है, और मैंने सोचा पहले खाना वाना बना लूँ, फिर आप लोगों से गुड मॉर्निंग विश करूँगी। तो बस यहाँ पे सारा काम वगैरह मेरा हो चुका है और बिल्कुल फ्री हूँ मैं, और यहाँ मैं मौसम के मज़े ले रही हूँ। तो सोच रही हूँ अपने लिए एक कप चाय बना के लेके आती हूँ, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा और ठंडा हो रहा है। और 2 दिन से ना मतलब बारिश हो तो रही है, रात में होती है और सुबह के टाइम धूप आ जाती है, रात में होती है सुबह के टाइम धूप आ जाती है, तो इसलिए। और ये देखिए बारिश बहुत मज़े आ रहे हैं सच में, ये देखिए कितनी भयंकर तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। देखिए मैं दिखा दूँ आप लोगों को, तो ये देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश है। देखिए आप लोगों ने देख ली कितनी देर बारिश हो रही है, 10 बजे से बारिश हो रही है और अभी तक 11:30 होने वाले बारिश हो चुकी है। मेरे लंच वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, बस मैं लंच करने वाली हूँ, और सासू माँ का लंच हो चुका है, उन्होंने कर लिया, हस्बैंड ने भी लंच नहीं किया है, तो बोल रहे थे कि मैं तो जा रहा हूँ बाहर और घूमने के लिए, वहीं से नहा के आऊँगा बारिश पे, पर तुमने यहाँ नहा लिया, मैं जा रहा हूँ बाहर, तो वो चले गए हैं बाहर अपने फ्रेंड्स वगैरह के यहाँ। बोल रहे थे मैं भी आज बारिश में नहाऊँगा, मेरा बहुत मन कर रहा है, तो मैंने भी नहा लिया, आज वो भी गए बारिश में नहाने के लिए, तो उन्होंने भी लंच नहीं किया है, मैंने भी लंच नहीं किया है। तो बस बारिश जैसे हस्बैंड आएंगे और नहा धोके तो वैसे मैं उनके लिए लंच लगा दूँगी, अपने लिए भी लगा दूँगी। फिलहाल मुझे भूख नहीं, क्योंकि मैंने फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे, अनार और केले और एप्पल मैंने ये सब खा लिए थे अभी, तो फिलहाल मुझे भूख नहीं है। और मैंने एक ग्लास लस्सी भी पी ली थी, तो मेरे को बिल्कुल भूख नहीं है अभी फिलहाल, तो मैं सोचती हूँ कि हस्बैंड के आने के बाद ही लंच करूँगी। और मौसम बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो मन कर रहा है कि पहले चाय बना लूँ एक कप, पर देखती हूँ। लेकिन अगर मैंने चाय बनाई तो हस्बैंड मुझे डांटेंगे बहुत ज़्यादा, उनको पता चल गया कि मैंने चाय बनाई है। और आप बारिश की आवाज़ सुन सकते हो कितनी तेज़, झमाझम बारिश हो रही है। मैं बाहर लेके चलती हूँ आपको, तो बाहर दिखा के आती हूँ। तो सबसे पहले मैं बालों को कवर कर लूँ, क्योंकि पानी में निकल रहा है। चलिए मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ बाहर। और ये देखिए मुझे पास में एक कमेंट आया था एक लड़की का, तो नाम मुझे आईडी उसकी याद नहीं है, तो मुझसे उसने पूछा था कि दीदी आपने अपने बालों में कलर करवाया है क्या। तो मैं तो पता नहीं मुझे सब लोगों को क्यों लगता है कि मेरे को काफ़ी लोगों को मतलब यहाँ भी कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि आपने कलर करवाया बालों में, मैंने अपने बालों में कभी भी कलर नहीं करवाया है। और सब लोग बोलते हैं कि यहाँ से आपके ब्लैक लगते हैं, नीचे से आपके ब्राउन कलर है, आपने गोल्डन कलर करवाया है, आपने कलर करवाया, तो मैंने आज तक कोई कलर नहीं करवाया, नेचुरल है। और अच्छी बात है अगर आपको लग रहा है कि कलर करवाया अच्छे लग रहे हैं बाल, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो अब चलते हैं हम लोग बाहर।
एक मिनट क्योंकि बाहर बहुत ही ठंडी हवा चल रही है बाहर, और कपड़े वॉश किए थे और सारे कपड़े भी भीग गए हैं। देखिए ड्राई किए थे मैंने मशीन में, सारे कपड़े भीग गए। और ये देखिए हमारे बाहर पानी, देखो उधर मंदिर मंदिर आई है। क्या हो गया? इसने पहले भी दिया था, कौन सा चीज दिया था जो गिरा दिया था? अरे गंदी बात, पहले अपना पजामा ऊपर कर। मोती का बोलता है चुप रहे, पहले बॉल चला के ले गई बीनू की है। हाँ अभी तो देखी नहीं गई है। कौन सी? हरी कलर की बॉल थी इसकी, उस दिन बीनू खूब रो रहा था, बहुत रो रहा बीनू बॉल के लिए। नीलम मुझसे पूछ रही बॉल कहाँ है, बॉल कहाँ, मैं क्या बोलूँ उनको, कहाँ गई बॉल? अरे गौरी का नाम लेते तो गौरी पिटेगी। मैंने कहा रहने दो, गौरी का नाम ले ही नहीं रही। मैंने कहा मुझे नहीं पता मम्मी कहाँ है बॉल। कब तो तू लेके नहीं जाती उसको, काहे के लेके गई जोई? हमारी बाथरूम बंद नहीं होगी, कैसे पचेगी? नहीं पिचकाई ले आई, लम्मा पता नहीं पड़ गई गजे लाई बताइए पर बताइए। और ले आई मम्मी की पुरानी बात हो गई। हां बहुत महंगी आई, बहुत महंगी। तूने छुट्टा अपना नाम तो देगी नहीं मैम? मतलब ये नैन्सी कितने साल की हो गई? 5-6 साल की तो हो गई, अभी तक पढ़ने क्यों नहीं भेजते? नहीं जाती, डंडे से लेके जाओ ना, लेके दो थप्पड़ मारो अपने आप जाओ। क्यों नहीं जाती तू स्कूल? क्यों स्कूल क्यों नहीं जाती? देखना इसने मेरी किन्नी पर काट खाई है। बहुत अच्छा। और ये किसने मारा इसको? ये बड़ी बहन है कि छोटी है? गाल पे देता है माय पे तो। क्यों? हाँ, बड़े बच्चों को मारते हैं, बड़ों को मारते हैं, मारते हैं? मैं से नहीं मारते, मैं से कुछ नहीं कह रही। अच्छा आज ही बता, न्यू न्यू होता कह दी, मैं एक कनपटी बोल दूंगा। एक कौन कह रहा? हम तो अपने रहते हैं न्यू वर्ल्ड पब्लिक स्कूल। ये सूजन कितनी आ गई है, सूजन कितनी आ गई? बहुत आ गई बेटा, बहुत सूजन है। सूजन सूजन मत कहो, सूजन के मोटे पैर कैसे हो गए? सूजन से, सूजन से देख कितने मोटे पैर हो गए मेरे। इसके लग गई तेरे, वो काई की लगी? ये सुना कि वो लाला में गिर गई थी मैं। तुम्हारा लाला कैसा है? बढ़िया है। अब मेरी मम्मी के भी होएगा, पार्टी देगी। पार्टी दे जानू, गौरी गई थी वो पार्टी की जा रही हूं मैं, तो क्या लाला हो चला ली हूं मैं, दोनों पे दूंगी। लाली होगी तो दूंगी पार्टी, लाला होगा तो दूंगी पार्टी। अरे नहीं अभी मुझसे बोला तेरी मम्मी के लाला होगा तो पार्टी दी है मैं, तो पहले ही नंदू तुम्हारी छत पर, तीन तीन बंदर आ गए हमारी छत पे। कुछ ये देखो मारी। ये है नंदू की छत और यहाँ आ गए तीन तीन बंदर। बंदर मामा पेट पर आओ, फेना ना तो उतार दो। देख लो चाची नोच रही। नहीं नैन्सी क्यों नोच रही बेटा? क्यों मार रही इसको? चाची पता है मेरे पापा पंजाब में हैं। अरे वीडियो बंद होना, चालू थोड़े ना, मैं तो वैसे बुक बना के लिए कर रही हूं। सारी मेरी सन भी नहीं जाती है, पापा की परछाई। चाची पता है मेरे पापा पंजाब में हैं। तू ट्यूशन क्यों नहीं जाती है पढ़ने? और पता है अपने पापा की रात को लौट के आता, रात को बाकी पापा रोटी खाते। तेरे पापा भी तो रात को ही खाते होंगे रोटी? मेरे पापा तो सोते भी नहीं है और ट्रक चलाते रहते हैं। है? तभी तू ढंग से पढ़ती नहीं है। पढ़ती हूं। ये है नंदू मक्कार तो। हाँ नंदू मक्कार। और ये नैन्सी है मक्कार, दोनों की दोनों। क्यों? पढ़ने नहीं जाते, पढ़ने लेके नहीं जाती उसको। मेला लगता है सबसे पहले कहीं भी, सबसे पहले जी लांगी और मेला तो अब लगेगा सर्दियों में। सर्दी आएगी तो मेला लगेगा धौलपुर में ना।
इसको इधर भी लगेगा बावड़ी पैर, बावड़ी पे कब लग रहा है? चांदपुरवा ए मत कर, तार टूट जाएगा। कब लगेगा? पापी मैया पे लगा। कब? पापी मैया पे तो वही तो नहीं करवा। हाँ अब लगेगा पापा, पापा से सही है, बाबा पे भी लगता है। बंदर है मुझे बताना कब लग रहा है मेला। हाँ पर मैं तो शायद जा नहीं पाऊंगा, अभी लगा तो इधर इधर ही लगता है। पहले आने जाने की मन होगी ना अभी तो मना कल फंस गए है ना। क्या सूजन? बहुत भयंकर है बेटा, क्या करूं? मेरे सूजन आ गई, नीले पड़ रहे पूरे पैर मेरे सूजन की वजह से, पता नहीं। ये देखो मैं कछू पहनती हूं, मेरी मई की सूजन आई थी, पता नहीं नहीं बाय बाय नहीं है, ये सूजन ही है इस वजह से। मन जा मेरी मई की आई थी, मेरी मई की आई थी, मई ने बताया कौन सा पत्ता किसके लगाया था। पत्ते वत्ते से कुछ नहीं होता, ये है कि अब कल डॉक्टर पे जाना है मुझे, तो कल डॉक्टर से पूछूंगी। दवाई वगैरह सब चल रही है? तो लगती है सुई तो पहले लग रही है, उतने लग रही है रोज रोज। देखो मुझे बहुत लगता है सुई से, किसको पता कौन था जब मेरे सुई लगती थी घर पे? कनक आती थी, कनक थी, नंदू आती थी, दोनों आती थी मेरे सुई लगती घर पे। और राम मैं कैसे चिल्लाती रोती, सही है भगवान कसम बहुत रोती मैं। ये चुपके से मेरी वीडियो बना रही हूँ उस दिन, न चिल्ला रही तो मैंने कहा तुम मेरे, अरे उन्होंने इंजेक्शन लगाया लेकर मैंने उसे तो, अरे उनके ना एक भाई तो बाहर काम करता है, एक भाई पता नहीं कहाँ काम करता है, दो ट्रैक्टर चलाते हैं, क्या करते हैं पता नहीं है मुझे। ये छोटा वाला फौज की तैयारी करता था, तो चाचा बता रहा है कि ये खाना पीना बना के ये कह रहा था कि मैं हाथ पर धो के वहाँ चला जाऊँ प्लॉट पे, ता मकान बन रहा था इनका, और ये एक दो दिन शिफ्ट होने वाले थे वहाँ पे। अरे यूं कह रहे थे क्या करने, दो चार खाने को जमाएंगे, कहीं घर पर गए थे, कहीं ना रहे थे पता क्या। अब नैंसी पीछे चलने लगी है, मैं तो कह रही हूँ गर्मी बहुत पड़ रही है यार। चलो चाची कूलर पंखे से दूर रहा करो, कूलर वगैरह से भी आएगा, फिर जी भैया आएगा, फिर भाई बाबा आएगा। मैं तो रखती हूँ पंचक तो नहीं चल रही। हाँ चाची जरौली में भी दो लोग खत्म हो गए। हाँ एक लड़का हो गया था फांसी लगा के। हाँ, हाँ, बहुत है ना जरौली में एक लड़का फांसी लगा, हाँ अभी तो खत्म हुई, चार पाँच छह सात दिन हो गए, ज्यादा नहीं हुए। ये जानवी दीदी है क्या, ये मरे छोड़े वाले? ये मतलब सुबह झाड़ू लगाने थे हमने बात है, इन्हें बोले मम्मी सामने में 11 लोग मरेंगे, इनकी मम्मी ने बोला सुबह सुबह ऐसी बात क्यों करी, शाम को वही। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पंचक चल रही है? क्यों पंचक तो क्या हो जाता है, पंचक में पांच लोग जाते हैं इकट्ठे। हाँ चाची मैं एक बूम मर गया था, वो क्या लवी का भैया है मल्ला में थी, तो माँ से तो कदा पिए गए थे, एक वो जानवी दीदी खत्म हो गई। हाँ एक सूरज है वो, एक बाबा है, एक भैया है, एक जामत है, एक औरत ले हो गए पंचक पांच। मैंने पंचक लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है पंचक चल रही है, पंचक में ऐसी होता है अगर पंचक तो बड़ा है। जरौली में दो हो गए तुरंत तुरंत, एक मई दस दिन पाँच पाँच छह दिन के अंतर में हो गए थे जरौली में ना। हमारी नानी की एक संग चार जने मर गए, एक लड़का हो गया और एक आंटी हो गई। दर्द होता है इंजेक्शन, मेरे को दर्द इंजेक्शन डरता, तो चाचा बोलते नहीं लगेगी बहन जी, नहीं लगेगी तो अच्छी चेटी खाएगी, चेटी चाचा चेटी खाएगी। मैंने ठीक है भैया लगवा लिया। अब मैं शादी से पहले भी इंजेक्शन ही लगवाया मैंने कभी, मैं रो लेती थी, एक और डॉक्टर ने मुझे बहुत बुरी तरह से पकड़, डॉक्टर ने डॉक्टर कंपाउंडर पापा चाचा सब ने मुझे पकड़ लिया, मैंने इतनी दम आ गई, मैं छोटी थी, मैं रावी से थोड़ी सी बड़ी होंगी बस, मेरे में इतनी दम आई मैं लात दे दे के सबको भगाया था, लेकिन मैं सुई नहीं लगवाई उस टाइम पे, ना बोटल लगवाई थी उस टाइम, मेरे को टाइफाइड हो गया था बहुत बुरी तरीके से, फिर मैं सुई नहीं लगवाई और इलाज ढंग से नहीं लिया, तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। फिर तो ये मैं इतनी बीमार हो गई कि डॉक्टर ने ये बोल दिया कि बचना मुश्किल है इनका। कल किसके बाबा, तुम्हारे बाबा का तुम हो गए, तुम्हारे खास बाबा? हमारे वहाँ पे रहते हैं एक बाबा है, तो उसी में गए थे कल लीलामा वगैरह सब लोग। हाँ। रात को लीलामा 11 बजे लौट के आई, रात को मेरे भी भाई मेरे अम्मा भी उनके संग ही आई, 2 बजे लौट के आए। कौन पापा वगैरह दाग में गए होंगे ना, चाचा नहीं जा पाए क्योंकि मैं अकेली थी घर पे, वीनू था, मम्मी चली गई उधर, अच्छा क्या हो गया था उनको? दारू पीते।
दारू, ये गुटका, इन्होंने जी लोगों का जीना हराम कर रखा है। दारू बंद हो जाए, जो गुटका बंद हो जाए, आधी जनसंख्या जी जाएगी ढंग से। बड़े लोग पर क्या करते हैं पता नहीं, क्यों खाते। कहा जा रही है रेंसी? मोदी के सामने दारू बंद है। जवान थे, बूढ़े नहीं थे, फिर भी दारू के वजह से लीवर वीवर में दिक्कत आ गई होगी, उनके सांस वांस से प्रॉब्लम हो गई। हाँ तो लीवर वगैरह खराब हो गए तो बचेंगे कहाँ से फिर। क्यों उस दिन वो करंट से चिपक कर वो मर गया एक लड़का। सावधानी उतार रहा था कि वो चप्पल जूते निकाल रहा था। वो मायेगा बेचारा, अटैक नहीं पड़ा, चाचा ये बता रहे कि उसकी ना कूलर के नीचे चप्पल रखी तो फिर चप्पल निकाल, एक निकाली एक रह गई थी उसकी, तो एक और निकालने वाला था। दस तारीख आती है को लग जाते, वो फौजी में चले जाते हैं, फौज में चला जाता लड़का ना, मर गया बेचारा तो जावे से पहले। फौजी में लंबा चार भाई थे, ये मम्मी पापा नहीं थे ना, नहीं थे। मम्मी पापा तो पहले छोड़ के चले गए, मम्मी भी मर गए, मम्मी इनके कुआं में गिर के मर गई, कुआं में गिर गई इनकी मम्मी। ऐसे ये कब मरे थे भैया? तीन चार दिन हो गए शायद, नहीं तो आज वहीं तो गई, आज हमारी मम्मी वहाँ गई थी, कल वहाँ गई थी रात में, वो खत्म हुए थे उनके यहाँ, और आज उनके यहाँ वो लड़का मरा था ना, लड़का चला खत्म हो गया ना, उस दिन चाचा चले गए थे और आज हम दादी चली गई थी। ऐसे आए की दुनिया खत्म हुए हैं, ऐसे दूसरे दुनिया में हमारी नानी के आए, पहली पहली गर्मी में पांच जन ही खत्म हो गए। पता नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं, गर्मी वर्मी वो मुझे पता नहीं, कोई बात है कुछ तो। चाची छत पे मना लो ना, छत पे नहीं जा रहे, बंदर आ जाएगा उस दिन। बंदर आया, पूछ नंदू से गौरी से, ये समझ ले मैं बच गई, वही बहुत बड़ी बात है। बंदरों ने बंदर ने ऐसा अटैक किया, इतना बड़ा बंदर, इतना मोटा बंदर, ऊपर से बारिश हो रही, मैं तो चली गई थोड़ा सा ऊपर घूमने, थोड़ा रिम जिम रिम जिम बोल रही तो मैं चली गई, चलो घूम लेती हूँ, मुझे कब तेज पानी आता, मैं नीचे को आ रही, बंदर इतना बड़ा अटैक कर रहा हूँ, तो मैं डंडा बताऊँ, ये छोटा सा डंडा, ये वाला डंडा, ये वाला डंडा पकड़ा मैंने हाथ में, ये छोटा सा निन्नी सा, हाँ पतला सा, इसको पकड़ा जाके, तब उसको लगा कि शायद ही मुझे मारेगी, तब थोड़ा सा भागा वो, तभी खाने के लिए दौड़ रहा है, ऐसे दांत निकाल के झूम मोटा बंदर। पता है हमारे पीछे आ रहा था, नंदू और गौरी नीचे खड़े, वो पस उतर रहा होगा, जे लालच चिल्लाई का है, तुम लोग पीछे पड़ा था। नैन्सी भी थी, बहुत फंसे आते हैं, कैसे फंस गए। मैं तो कुछ नहीं कहेंगे, तुम लोग आ रही हो तो मैं भी आ रही हूँ, तो कुछ नहीं कहेंगे ज्यादा, भरोसा नहीं है। अंतिम तू थी और कौन कौन था? जानवी थी, गए जानवी, अनु, मैं, जे, दुग्गा, अनुष्का, अनुष्का दुग्गा नहीं, अनुष्का थी, चप्पल उनके पीछे चप्पल लगा रही, मैं कहीं पापा लीला माने चप्पल लगा रही, अनु के घर बैठे रहे हम, रो रहे, मैं कहीं पापा दे कहते हूँ मिलेगा वैसे दुबका दी होंगी इन्होंने, वैसे वैसे नहीं दुबकाती, वैसे दुबकाई जब पुलिया बन रही है क्यों। ये देखो हमारी उसका काम शुरू हो चुका है, जिससे क्या है हमारे यहाँ गांव में बाढ़ वगैरह की प्रॉब्लम होती है, इधर की साइड को अंदर की साइड तो अब नहीं हुआ करेगी, पानी भरेगा, अब नहीं भरा करेगा पानी, बढ़िया है पानी भराना। इस बार कहाँ भरा, थोड़ा सा भरा था बस, आ गई होती नरिया। हाँ तो थोड़ा सा भरा था, ज्यादा कहाँ भरा था, फिर भी बहुत जाने तो गए, तब रुकी जो भर भरा है एम्बुलेंस से, वो बहुत डर लगा था जी, वो करते तो मैंने तो आवाज आ रहा तो कैसे करमा में फंस गई जाते ना, बहुत चाची बात बताए थे हम करमा में कैसे फंस गई। हाँ ये रूम में फंस गई उस दिन, मैंने इनको छुपा दिया गेट के पीछे, मैंने छुप जाओ, मैंने कहीं निकल जाओ वो कुछ नहीं कहेंगी, नहीं नहीं हम नहीं, तो मैंने छुप जाओ, फिर छुप गई गेट के पीछे, छुपी रही आओ आका चाचा कहते ग्वालियर, पर आका चाचा ग्वालियर से आए 7:30 बजे के समथिंग, 8 बजे के समथिंग अंधेरा हो गया था, तब जाके इन दोनों को निकाला। जा नहीं रही, मैं कह रही कि कुछ नहीं कहेंगी लीलामा, तुम लोग निकल जाओ, वो कुछ नहीं कहेंगी, नहीं चिल्लाएंगी क्या, कहाँ सामने, हाँ कल रात में बहुत उजाला हो रहा था इधर, ऐसी गर्मी में कैसी शादी कर रहे होंगे लोग, पता है गार्डन की शादी में यार लगते हैं, फिर भी गार्डन में कौन सी सर्दी भी लगेगी, तुम्हारा एसी कौन लगा रहा है गार्डन, कूलर पंखा जरूर लगा देते, एसी कोई नहीं लगाता, हो रही है यहाँ पे नहीं हो रही, ठंडन में होगी, बड़े मंदिर है
किसकी साइड पर है? तुम्हारी मौसी की शादी है? हाँ, हमारी मौसी की शादी तो ठंड में होगी। हैं? हमारे आगरा वाले भैया की शादी भी है ठंड में। बढ़िया है, सब कर लो। हमारी मौसी तो गोद भी भर गई। भर गई गोद? हमारे भैया की भी भर गई गोद। कहाँ हो गई सगाई? नंदू तोड़ दे इसको, ठीक है? तोड़ दे अभी लीला, मैं तेरे को देख लेंगी ना कैमरे में तब बताएंगे। मतलब हम लोग जैसे अंदर कुछ काम कर रहे थे, वीनू ऐसे निकल जाते, इसलिए हमें ये डंडे लगवा दिए। अब गेट रखा है वहाँ पे, गेट लग ही नहीं रहा है, मजदूर ही नहीं आए अभी तक। फिर बारिश का टाइम पे गेट कैसे लगवाएं? सीमेंट वगैरह सब बह जाएगी। प्यास लग रही बेटा? मैं तो भी बहुत सारी। हाँ, गर्मी में तो हमारा तो कूलर लगेगा, किचन में पंखा लगेगा। एसी किचन में कूलर पंखा क्या काम करेंगे? किचन में काम करेगी एसी। अगले साल चाचा कह रहे हैं अगले साल लगवा दूंगा किचन में तेरी। अब बताएं, हमारी एसी तो खराब हो गई। हो गई? अब हमारे चार एसी लगेंगे, एक किचन में, एक बाथरूम में, बालकनी वाले में, और एक पूजा वाले में है इस साल। हमारे तो दो लगे हैं, दो ही बहुत हैं। अगले साल देखेंगे। देख रही है किचन में लगवाए तो लगवाए, नहीं तो वो फैन नहीं आता है, वो एसी वाला फैन आता है, वो यूज करेंगे हम तो किचन के लिए। चाचा कह रहे थे अगली बार वो दीवार पे लगता है वो है। पंखा तो देखो, मैं पंखा तो ऐसे में रख लेती हूँ, लेकिन देखो पंखे से क्या गैस वगैरह उड़ती है, मेन बात तो ये है। डांस कर रही है? और जो वो भग जाएगी तुम लोगों देख के। ये देखिए हमारी मोर डांस कर रही है हमारे खेत में, कितनी अच्छी लगती है लोग जब डांस करती हैं तो। ये और दोस्त डोल लगे उनकी, और इनके दोस्त हैं, एक नहीं है, एक दो तीन चार पांच हैं, छह वो आ रही है, छठवीं सात आठ दो बोल रही है। हाँ वो आ रही है। उस चाची भाई वाला कहाँ है? कहाँ है? खेत में। वो नहीं दिखेगी इतनी दूर से ज्यादा। हाँ, एक वो डांस कर रही है और एक ये डांस कर रही है। पास वाली बनाते हैं अपन तो, अपन तो पास वाली बनाते हैं। मत भगा, वो नाचे तो बहुत बढ़िया होगा, पानी बरसता है। अब इनके पास ये डर रही है, पता डर रही है तभी इससे। ये डर रही है लेकिन तभी इससे घबरा करो। डांसर भी डांस बहुत अच्छा करती है, एकदम पंख ऐसे से लहरा के वो से उधर सही से कैमरा पहुंचेगा नहीं इसी दिन। वो आई वो डांस करेगी, देखना करेगी। अगर अपन नजर चल जाएंगे फिर करेगी। मैं तो रोज बना लेती हूँ उनकी, यहाँ डांस देखे, यहाँ डांस करती है। ए नंद, वो गया वो उधर, करंट उधर, करंट इधर। हाँ, एक इधर डांस कर रही थी, एक इधर कर रही थी, और एक वहाँ कर रही थी। यहाँ पे? हाँ यहाँ पे थी। तीन वो डांस कर रही थी। उसकी चाची जब मैंने पूरे पानी पी लिया तो मुझे में लाती है। नंदू को मारते कभी किसी को, लाश कभी किसी को नहीं देते। चाची जिसमें मुझे बदतमीज हो गई है जी बहुत ज्यादा। देख मैंने कही ना, अभी अपन डांस बंद करने वाली है। ऐसा अपन डांस बंद करते नहीं हो, अभी तो नाच रही है। नहीं बंद करने वाली है, बस बंद करने वाली है। क्या पता रोज सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम बुलाएंगे मुझे खाने के लिए, क्या आओ। फिर मैं बोल दूंगी आओ आओ खा जाएंगी, फिर मॉडरेट बैठ जाएगी, फिर दोपहर का टाइम आ जाएगा, दोपहर के टाइम आ जाएगी, क्या आओ। मेरे बंद बंद कर दी उसने। तो यहाँ हो चुका है मोर का डांस बंद, क्योंकि हम लोग यहाँ देख रहे थे तो उसने सोचा कि ये लोग मुझे देख रहे हैं, बंद करो डांस अपना। मोर को लगा इसमें छोटे बच्चों का, पता है मुझे, चाचा बता रहे थे मुझे। तुम नहा ली थी?
नहीं नहीं जाती इधर, पानी गंदा रहता है ना स्विमिंग पूल वगैरह में, उसी में नहा रहे हैं सब लोग इकट्ठे हो। अच्छी अगर उसका पानी थोड़ा सा भी मुंह के अंदर नाक के अंदर चला जाए ना, बीमारी बनती है उनसे स्विमिंग पूल के पानी से। मेरे भैया के मम्मा तो सांप है, वो पानी कूद दवाई डर गई। सुनो।